सिंघिया प्रखंड क्षेत्र में अभी तक 258 लोग टीबी बीमारी से ग्रसित हैं। बिहार सरकार ने टीबी यक्ष्मा रोग को उन्मूलन के लिए बहुत ही जोर शोर से काम कर रही है कि 2025 में भारत देश को टीबी उन्मूलन समाप्त कर देना है। फिर भी टीबी संक्रमण रोग अपना पैर पसारने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, एक से दूसरे जगह आराम से फैलकर अपनी जगह बना रही है। तो हम आपको बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया प्रखंड क्षेत्र के बारे में बता रहे हैं कि जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक में कुल 258 लोग टीबी बीमारी यक्ष्मा से ग्रसित हैं। दिसंबर 2022 तक में 206 था, जनवरी 2023 में 52 का बढ़ोतरी हुआ है। बताया गया कि 206 में 98 रोगी का 6 महीने का दवा की खुराक पूरी कर लिया गया है। एक संक्रमित व्यक्ति का जानकारी नहीं मिल रहा है क्योंकि वह दवा नहीं लिए और वह ट्रेसलेस है। सिंघिया 3 पंचायत जो वर्तमान में नगर पंचायत बन गया है उसमें 19 लोग संक्रमित है। वहीं सबसे ज़्यादा माहे पंचायत में कुल 20 रोगी में 13 पॉजिटिव है। टेक्नीशियन जांच कर्मी दिनेश कुमार ने बताया कि पॉजिटिव का मतलब बड़ी खतरनाक होता है। जो पॉजिटिव है उससे टीबी का कीटाणु दूसरे जगह अन्य लोगों में फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा बना रहता है।